गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं डिजिटल सर्किट का लेक्चर नंबर 7, लेक्चर नंबर 6 तक आप लोगों ने देख लिया था। एडर सबट्रैक्टर आपने अच्छे से पढ़ा था और उसमें कोई डाउट होगा तो आप हमसे बात कर सकते हैं। आज से हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लेक्सर, जिसका दूसरा नाम मक्स भी बोलते हैं हम लोग। इसका बहुत सारा नाम है जो पढ़ने के दौरान मैं बताऊंगा। मल्टीप्लेक्सर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमारे रियल लाइफ में बहुत जगह यूज़ होता है, तो हम लोग मल्टीप्लेक्सर को आराम से और धीरे धीरे अच्छे से समझेंगे। मल्टीप्लेक्सर होता क्या है, चलिए मल्टीप्लेक्सर को समझते हैं। मल्टीप्लेक्सर को समझने के लिए आप राइट साइड में एक फ़ोटो देखिए पहले, ठीक है। आपके राइट साइड में एक फ़ोटो आ रहा होगा, ठीक है, लेफ्ट साइड में एक फ़ोटो आ रहा होगा। इसमें आप देख रहे होंगे कि ढेर सारे टेलीफोन जो हैं कनेक्टेड हैं एक डिवाइस से, रिसीवर से कनेक्टेड हैं, ठीक है। पहले आप फ़ोटो देख लीजिए, उसके बाद जो दूसरा अभी फ़ोटो आया, दूसरा फ़ोटो है, उसमें ढेर सारे अलग अलग डिवाइसेस हैं। एक MP3 है, एक लैपटॉप है, फिर एक डिजिटल सैटेलाइट है, फिर एक डिजिटल केबल TV का जो सेट टॉप बॉक्स है वो है, और बीच में लिखा हुआ है मक्स। मक्स क्या होता है इसी को समझाने के लिए है। और जो एक वायर है वो किसी बॉक्स से जुड़ा हुआ है, मतलब लाउड स्पीकर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो पहले दूसरे वाले फ़ोटो, जो अभी मैंने फ़ोटो दिया, इसको समझते हैं। अभी हम लोग मक्स नहीं समझ रहे हैं, हम पहले कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद मक्स समझ में आ जाएगा, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं हमारे पास जिसको कि समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पहले देखिएगा, इस जो ये अभी फ़ोटो आपके पास बोर्ड पे दिख रहा है, इस फोटो में डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। मेरे घर में एक ही स्पीकर है, सोचो मैं गाना सुनना चाहता हूँ, तो मैं अगर मेरे पास अभी मेरे पास MP3 हाथ में प्लेयर है, MP3 प्लेयर भी घर में है, लैपटॉप भी घर में है, सैटेलाइट सिस्टम भी मेरे पास है। सैटेलाइट मतलब बाहर से आ रहा है सिग्नल, उसकी बात कर रहा हूँ, रेडियो TV की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। फिर एक है डिजिटल केबल TV जो हमारे घर में आता है, केबल वायर, उसको मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये चार चीज़ें मेरे घर में हैं और स्पीकर एक है, क्योंकि सब रूम में तो आप स्पीकर लेकर लगा नहीं सकते हैं, स्पीकर एक है। अब आप सोचते हैं कि मैं अभी सोच रहा हूँ MP3 से गाना चलाऊँ, ठीक है। MP3 गाना चलाने का एक MP3 का मतलब ही होता है, ठीक है, मीडिया प्लेयर नाम है इसका। तो ये जो है गाना चलाने का एक डिवाइस है जिसमें गाना सुना जाता है। तो जब मैं MP3 चलाऊँ तो मैं क्या किया कि चारों वायर से कनेक्ट करके मैं स्पीकर से जोड़ दिया। अगर मैं चारों वायर लेकर सीधे स्पीकर से जोड़ दूँ तो चारों के चारों एक साथ काम करने लगेगा स्पीकर में। लेकिन सर यहाँ चारों कैसे एक साथ काम करेगा, प्रॉब्लम हो जाएगी ना। अगर मान लो मैं स्पीकर और MP3 एक साथ बजा दिया तो दोनों का आवाज़ इसमें जाने लगेगा, स्पीकर किसकी आवाज़ देगा, यहाँ पर प्रॉब्लम होने लगी, ठीक है। यहीं पर प्रॉब्लम आया और साइंटिस्ट लोगों ने सोचा ऐसे कैसे होगा, एक अगर हम लोग को चारों अलग अलग बजाना है तो चारों का तार अलग अलग खोसना पड़ेगा। मान लीजिए मैं यहाँ लैपटॉप चला रहा हूँ तो लैपटॉप के पास स्पीकर लाना पड़ेगा और स्पीकर का तार लैपटॉप में जोड़ना पड़ेगा, ऐसे ही करते होंगे आप। फिर आप मान लीजिए MP3 चला रहे हैं तो जहाँ MP3 चला रहे हैं वहाँ पर स्पीकर ले जाकर MP3 से जोड़ना पड़ेगा, यानी हर जगह वायर आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। या ऐसा कर सकते हैं कि लैपटॉप ऐसा अगर है आपके घर में कि लैपटॉप आपके रूम में है, MP3 दूसरे रूम में है, TV डाइनिंग रूम में है, तो अलग अलग रूम में है तो भाई सब जगह तार बिछाना पड़ेगा, तो बहुत सारा प्रॉब्लम आपको नज़र आ रहा है। तब साइंटिस्ट लोगों के दिमाग में आया कि क्यों ना एक ऐसा डिवाइस हम लोग बनाएं, उस डिवाइस में चारों में से चारों डिवाइस से स्पीकर को जोड़ दिया जाए, लेकिन कोई एक ही डिवाइस एक बार में काम करेगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, चारों डिवाइस स्पीकर से जुड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन गाना तो कोई एक ही को ना सुनिएगा जी। ऐसा थोड़ी जो कि लैपटॉप से भी सुनिएगा और MP3 से भी सुनिएगा, दोनों का गाना एक साथ सुन लीजिएगा, ऐसा अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा। कोई एक ही का गाना चलेगा एक बार में, यानी कोई एक ही डिवाइस एक बार में कनेक्ट होना चाहिए। तो ऐसे कोई डिवाइस बनानी होगी जो चारों सिग्नलों को एक्सेप्ट करे बट कोई एक डिवाइस को एक बार में चलाए। तब यहाँ पर से साइंटिस्ट लोगों ने इसी तरह के डिवाइस का खोज किया डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, इसका नाम रखा मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर एक डिजिटल डिवाइस है जिसके पास ढेर सारे इनपुट होते हैं, ढेर सारे का मतलब संख्या में बहुत सारा इनपुट होता है, 2, 4, 6, 10, 12, 15, 18, 50, 500 जितना आप ले सकते हैं, बहुत सारे इनपुट होते हैं बट आउटपुट एक ही होता है, ठीक है। और यहीं से मक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट खोज होना शुरू हो गया। मक्स यहाँ इसी सोच से मक्स आया। मक्स का भी बहुत सारा मतलब ऑपरेशंस पढ़ेंगे तो बहुत सारा और उपयोग मिलेगा, लेकिन यहाँ पर इसको इस बात से हम आसानी से आपको समझा सकते हैं कि मक्स क्यों आया, मक्स यहाँ पर मक्स का क्या मतलब है। चलिए दूसरा है,
अब जो फोटो आप देख रहे हैं दूसरा फोटो है, ठीक है, इस फोटो को भी समझते हैं। अभी मैं सिर्फ मक्स की दुनिया में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, एग्जैक्टली मक्स हमारे दुनिया का कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है ये बता रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्ट मक्स का डेफिनेशन यहाँ लिखा है, मैं बता के तुरंत कंप्लीट करके एग्ज़ाम में लिख दीजिएगा हो जाएगा, बट एग्जैक्टली मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं आपको लिख के देता हूँ या मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ कि कोई भी ऐसा, ठीक है, हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारे टीचर भी हमको इस तरह का बात नहीं बताते थे कि एग्जैक्टली इस मक्स का हमारे रियल लाइफ में यूज़ कहाँ होता है, कोई एग्जाम्पल ही नहीं देते थे, कोई ऐसा एग्जाम्पल जहाँ कुछ देने लायक एग्जाम्पल भी होगा तो भी नहीं देते थे, ठीक है। तो मैं आपको एग्जाम्पल दे के समझा रहा हूँ और उससे आपको बहुत हद तक समझ में आएगा। अभी जो फोटो आपके पास लेफ्ट साइड में दिख रहा है, इसमें ढेर सारे टेलीफोन्स लाइन है, टेलीफोन लाइन एक सेट ऑफ बॉक्स से जुड़ा है, ऐसा कहाँ देखने को मिलता है ये मैं आप बताइए। तो ऐसा देखने को मिलता, मान लीजिए, ठीक है, एक बहुत मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, बहुत बिल्डिंग, बिल्डिंग का मतलब उसमें 12 माला, 13 माला, 14 माला तक आपका बिल्डिंग है, सभी के पास एक फ़ोन रखा रहता है, ठीक है। नीचे में एक ऑपरेटर होता है, नीचे मतलब ग्राउंड फ्लोर पर जहाँ गार्ड बैठा होता है, गार्ड रूम बोलते हैं उसको, उसमें ऑपरेटर लगा रहता है और सभी के वायर्स जुड़े रहते हैं उस टेलीफोन ऑपरेटिंग से, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर, ठीक है, क्या होगा कि मान लीजिए कि मैं अलग अलग सिग्नलों का वायर, अब देखिए तो उसमें क्या होगा कि कोई एक ही टेलीफोन लाइन एक बार में कनेक्ट होता है, ठीक है, एक कोई एक ही टेलीफोन लाइन। इसको और अच्छा समझने के लिए एक और एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए कि इसको ऐसे समझिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति का नाम सुने होंगे, मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ जो कि आप सुनते भी हैं, कौन बनेगा करोड़पति, कोई कंटेस्ट हो रहा है कौन बनेगा करोड़पति, और उसमें आपको फ़ोन लगाना है स्क्रीन पे, टीवी पे चलने लगा कि इस क्वेश्चन का जवाब जो फ़ोन करके देगा उसको हम ये प्राइज़ देंगे, ऐसा चलता है ना टीवी में, तो अब तुम फ़ोन लगाने लगते हो, फ़ोन नंबर दिया, तो भाई तुम्हारे सभी लोग ना फ़ोन लगाएंगे, आप ही एक फ़ोन थोड़ी लगाएंगे, कितने लोग फ़ोन लगाएंगे, लगभग जितने ऑल कंट्री में लोग हैं सभी लोग फ़ोन लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, तो भाई जहाँ पर KBC यानी कौन बनेगा करोड़पति चल रहा होगा वहाँ पर, यानी सभी लोगों का सिग्नल, सभी लोग अलग अलग सिग्नल, अलग अलग टेलीफोन यूज़ करते हैं, सभी का सिग्नल अलग अलग होगा, सभी लोग अलग अलग सिग्नल्स KBC में भेजेंगे, KBC के सेट टॉप बॉक्स एक ही होगा, वहाँ पर वो सिग्नल आएगा, लेकिन भाई किसका फ़ोन लगेगा, सब लोग एक साथ भेजेगा किसका फ़ोन लगेगा, तो यहाँ पर ठीक है किसी एक ही व्यक्ति का बात एक बार में होगा, तो आप सोचिए कितने लोगों ने फ़ोन लगाया, बहुत सारे लोगों ने फ़ोन लगाया, लेकिन उसमें से किसी एक व्यक्ति का बात हो रहा होगा, जब वो फ़ोन रखेगा उसके बाद दूसरे व्यक्ति का, टाइमिंग सेट रहता है उसमें, टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग आगे चल के पढ़िएगा भी सीनियर बैच में, टाइम डिवीज़न टाइम के अकॉर्डिंग सेट रहता है, तो दूसरा चलेगा। तो यही यहाँ पर जो फोटो दिख रहा है ये इसी का एग्जांपल है, यहाँ पर भी मक्स आया आपके पास, तो मक्स बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है जो हमारे रियल लाइफ में बहुत जगहों पर यूज होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा काफ़ी हद तक समझ गए होंगे मक्स कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक है। लेकिन ये इन सब एग्जांपलों के बाद हम आपको कुछ रियल बातों से भी बताते हैं, ये मक्स बाज़ार में कैसे मिलेगा, क्या दुकान में हम जाएंगे बोलेंगे मक्स दो तो दे देगा, ठीक है। मक्स जो है IC के रूप में अवेलेबल होता है, किसके रूप में अवेलेबल होता है, IC के रूप में, ठीक है। डिफरेंट ICs हमारे पास हैं, अलग अलग नंबरों के IC मिलते हैं, वो IC आपको मक्स का IC अलग अलग होता है, ठीक है, और उस मक्स के IC को जोड़ने भी मैं सिखाऊंगा, लेकिन जोड़ने के लिए मैं अगर मैं ये फोर्थ सेमेस्टर के लिए बना रहा हूँ तो फोर्थ सेमेस्टर को जोड़ने का अभी नहीं है, छठे सेमेस्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वाले जोड़ने के लिए सीखते हैं, ठीक है। बाकी दूसरे ब्रांच अगर इसके बच्चे इसको देख रहे हो तो वो सिर्फ मक्स तक सीखेंगे, और IC कैसे जोड़ते हैं मक्स के वो छठे सेमेस्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वाले सीखते हैं, ठीक है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा अगर मौका मिलेगा तो आप समझेंगे। तो चलते हैं अब हम लोग मल्टीप्लेक्सर की तरफ, अब आते हैं हम लोग का सब्जेक्ट अब शुरू होता है मल्टीप्लेक्सर क्या है। अब मैं थ्योरेटिकल दुनिया में ला रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में लिखना भी पड़ेगा, ये तो मैं प्रैक्टिकल दुनिया के बारे में लाया, अब प्रैक्टिकल दुनिया से बहुत कुछ समझने को मिलेगा, थ्योरेटिकल दुनिया की बातें उसके साथ जोड़ेंगे तो बहुत हद तक समझ में आएगा। चलें मक्स क्या है, मल्टीप्लेक्सर का ही शॉर्ट फॉर्म मक्स नाम देते हैं, मक्स देखिए लिखा हुआ मैंने मक्स, ठीक है। मल्टीप्लेक्सर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट, मैंने आपको पहले बता रखा है कि हम लोग कॉम्बिनेशनल सर्किट पढ़ रहे हैं, सिक्वेंशियल सर्किट कॉम्बिनेशनल सर्किट के बाद स्टडी करेंगे, तो हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट। मल्टीप्लेक्सर एक स्पेशल टाइप का कॉम्बिनेशनल सर्किट है जिसके पास बहुत सारे इनपुट होते हैं, मेनी इनपुट एंड वन आउटपुट, बहुत सारे इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है, अंडरलाइन कर लीजिए, मेनी इनपुट वन आउटपुट डिवाइस, मेनी इनपुट वन आउटपुट डिवाइस,
ठीक है। इसका मतलब अगर कोई कह दे मक्स का दूसरा नाम बताओ तो तुम बता देना मेनी इनपुट वन आउटपुट डिवाइस को मक्स कहते हैं। नोट कर लीजिए, ऊपर में नोट करके लिख लीजिए, मक्स इज ए मेनी इनपुट वन आउटपुट। नोट क्या लिखा हुआ है, मक्स का एक नाम हो गया मेनी इनपुट वन आउटपुट डिवाइस। चलिए मेनी इनपुट, तो देखिए मैंने यहां पर फोटो यहां पर ही से बताना शुरू कर रहा हूं, मेनी इनपुट ढेर सारे इनपुट, इनकी संख्या कितनी होगी नहीं निश्चित है, निश्चित नहीं है आप कितनों इनपुट दे सकते हैं। तो चलिए यहां देखिए नाम दे रहा हूं D0, यहां नाम दे रहा हूं D1, ये नाम दे रहा हूं D2, ये नाम दे रहा हूं D3 और डॉट 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 यहां लिखूंगा DN-1। N-1 इसलिए क्योंकि मैंने 0 से स्टार्ट किया, अगर 1 से स्टार्ट करता हूं तो DN तक ले जाता। तो इस तरीके से, अब सर ये क्या है इसको भी समझते हैं, देख लेते हैं पहले नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आप लोगों। हाँ ठीक है, ओके, ये आउटपुट है, ये मक्स है, ये मक्स क्या है सर, कितना है, तो एन लाइन है, इसको लिखेंगे N:2 मतलब अनुपात 1, इसका मतलब हो गया N:1 मक्स इसका नाम होता है, इसे हम लोग N:1 मक्स नाम देते हैं, ये N:1 मक्स है। और ये जो हमारा इंडिकेट करता है ये हमें आउटपुट को इंडिकेट करता है, यहाँ से हम आउटपुट लेते हैं। सर इसके बारे में आप नहीं बताए, ये क्या होता है इसको थोड़ा समझाइए। दीज आर कॉल्ड सेलेक्टर लाइन्स, इन्हें हम लोग क्या नाम देते हैं, SELECTOR, सेलेक्टर लाइन। सर समझ में नहीं आया ये सेलेक्टर लाइन क्यों आता है, जब मेनी इनपुट वन आउटपुट डिवाइस हो ही गया तो सेलेक्टर लाइन की जरूरत क्यों पड़ी, और ये सेलेक्टर लाइन होता क्या है, तो इसको ऐसे समझिए, सेलेक्टर लाइन एक प्रकार का कंट्रोल लाइन है जो आ रहे इनपुट सिग्नल को कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। ठीक है सर, नियंत्रण कुछ समझ में नहीं आया, इसको और एलोबरेट करते हैं, थोड़ा अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए कि आप कभी स्कूल गए हैं, जब बड़े बड़े स्कूल जाइएगा तो वहाँ सेक्शंस बटा होता है, सेक्शन, सेक्शन का मतलब जैसे 10 क्लास में 10 क्लास का सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ऐसे बटा होता है। ऐसा क्यों बांटते हैं हम लोग सेक्शन, अच्छा लगता है इसलिए, जी नहीं, संख्या ज़्यादा हो गई, बच्चों की संख्या ज़्यादा हो गई तो हम लोग सेक्शन बांट दिए। सर बच्चों की संख्या ज़्यादा हो गई तो क्या हो गया, एक ही क्लास में बैठा दीजिए, ठीक है। जैसे आप लोग का बैच बनता है, बैच 1 और बैच 2 क्यों बनता है, क्योंकि एक क्लास में 150 स्टूडेंट के बैठने की कैपेसिटी है। जैसे हम लोग राजीव नगर में बैठते थे, एक बैच में 150 बैठते हैं आप लोग, तो 150 बच्चे बैठे तो दूसरे उससे 150 से ज़्यादा बच्चे का एडमिशन हो गया, तो हम लोगों ने बैच नंबर 2 कर दिया। सर बैच 2 क्यों किए, उसी में रख देते। एक्चुअली में एक टीचर एक क्लासरूम में 150 स्टूडेंट को कंट्रोल कर सकता है, क्या मॉडल बोला, एक टीचर 150 स्टूडेंट को कंट्रोल कर सकता है, यानी फिक्स हो गया कि 150 बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेवारी एक टीचर की है। अगर 150 से ज़्यादा स्टूडेंट हो गए तो एक टीचर से काम नहीं चलेगा, हमें 2 टीचर रखने पड़ेंगे, ठीक है, और उससे भी ज़्यादा स्टूडेंट हो गए तो 3 टीचर, यानी कि 150 स्टूडेंट कंट्रोल हो सकते हैं एक टीचर से, तो 150 से ज़्यादा बच्चे यानी 300 तक के बच्चे जितने भी होंगे वो 2 टीचर से कंट्रोल होंगे। इस तरीके से अगर मैं स्टूडेंट की संख्या बढ़ा रहा हूँ तो टीचरों को उसको कंट्रोल करने के लिए टीचरों की संख्या बढ़ा रहा हूँ, और यही चीज़ यहाँ पर भी आया। तो इनपुट की संख्या जितनी ज़्यादा बढ़ाएंगे कंट्रोल यानी कि सेलेक्टर लाइंस उतने ज़्यादा यूज किए जाएंगे। इसका नाम सेलेक्टर लाइन क्यों पड़ा ये भी हम बताते हैं आपको। ऐसे इसका नाम मैंने क्या बोला, कंट्रोल, कंट्रोल करता है। खासकर इसका नाम सेलेक्टर इसलिए पड़ा, जैसे अभी मैंने एक फ़ोटो दिखाया था, फर्स्ट वाला फ़ोटो, जिसमें कि मैंने दिखाया था टेलीफोन, सॉरी MP3, लैपटॉप, फिर उसके बाद सैटेलाइट, फिर मैंने आपको सेटअप बॉक्स, 4 फोटो दिखाया था। अब बताइए चारों में से कोई एक ही ना काम करेगा आउटपुट में, कि चारों काम कर जाएगा, चारों काम करेगा बट एक ही से गाना बजेगा एक बार में, ठीक है। ऐसी स्थिति में चारों में से किसी एक ही को चुन करके आगे भेजना, तो कौन चुनेगा भाई, चार को इनपुट आया, ई चिल्लाएगा मेरा जाने दो, ई बोलेगा मेरा जाने दो, ई बोलेगा नहीं मेरा आउटपुट जाएगा, ई बोलेगा नहीं मेरा आउटपुट जाएगा, भाई लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, ठीक है, किसका आउटपुट ये आउटपुट में देगा, ठीक है। उसी तरीके से ये सोचिए कि अगर आप KBC में फ़ोन कर रहे हैं तो सब लोगों का फ़ोन आया, आप बोलेंगे मेरा फ़ोन लगेगा, ई बोलेगा मेरा फ़ोन लगेगा, किसका फ़ोन लगेगा, KBC वाला घबरा जाएगा कि इतना लोगों का फ़ोन आ रहा है तो किसका फ़ोन लें, ठीक है, प्रॉब्लम आ जाएगी। ऐसी स्थिति में ये सेलेक्टर लाइंस ऐसे बनाए होते हैं कि ये सेलेक्टर लाइंस इन लोगों को ऐसा सेट किए हुए रहते हैं कि कोई एक ही आउटपुट एक आउटपुट में एक कोई एक ही मिलेगा, ठीक है, आउटपुट में कोई एक ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ एक आउटपुट के लिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो आउटपुट जो है ये आउटपुट जो निकलता है इनपुट से कोई इसके द्वारा किसी एक ही को सेलेक्ट करके भेजा जाता है,
ये सेलेक्ट कैसे होगा वो तो मैं प्रोसेस ऑपरेशन के दौरान बताऊंगा। इसका दूसरा फोटो भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी मैं इसी तरीके से बताया हूँ। ये देखिए टाइमिंग सर्किट मैंने ऐसे बताया है, क्लॉक जैसा दिखाया है ये वाले को। ये नाम D0 हुआ, ये D1 हुआ, ये D2 हुआ, डॉट 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 डॉट, इसको DN-1 बोलते हैं और ये मेरा आउटपुट कहलाता है। ठीक है, ठीक है। तो ये जो आपके पास दिख रहा है इसमें सब में तार जुड़े रहते हैं। ये वाला इससे जुड़ता है या इससे जुड़ता है या इससे जुड़ता है या इससे डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर ढेर सारा रहता है। ऐसे 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 करके यहाँ पर ऐसे बॉक्स बना दीजिए, ऐसे ऐसे करके यहाँ बॉक्स बना दीजिए, बबल बना दीजिए, इस तरीके से ढेर सारे होते हैं। तो किसी एक ही से जुड़ा रहता है, किसी एक ही से जुड़ेगा। कौन इसको कंट्रोल करेगा? तो 1 2, ठीक है, डॉट 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 डॉट, ऐसे इसका नाम होगा S0 S1 SN-1। ये सेलेक्टर लाइंस इसको कंट्रोल करेगा, यानी ये सेलेक्टर लाइन बोलेगा इस वाले लाइन को इससे जुटो, तो ये वाला इससे आके जुटेगा और यही आउटपुट D2 आउटपुट मिलेगा। ये बोलेगा ना इससे जुटो तो ये आउटपुट मिलेगा, ये वाला आउटपुट मिलेगा। तो ये सेलेक्टर लाइन किसको कब कहेगा इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग आगे, यानी किसी एक ही को आउटपुट में यहाँ पर देगा। इसीलिए ठीक है, ये इसको कहते हैं डेटा सेलेक्टर डिवाइस। देखिए इसका नाम क्या लिखा मैंने, सॉरी, इसका नाम क्या है? डेटा सेलेक्टर डिवाइस, डेटा सेलेक्टर डिवाइस, इसका नाम डेटा सेलेक्टर डिवाइस आएगा। टू कंट्रोल द इनपुट सिग्नल इट हैज डेटा सेलेक्टर लाइन। इन इनपुटों को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास डेटा सेलेक्टर लाइन होता है, विच सेलेक्ट एनी वन इनपुट आउट ऑफ एन इनपुट सिग्नल। ढेर सारे इनपुट सिग्नल में से एक आउटपुट सिग्नल, एक ही इनपुट सिग्नल को सेलेक्ट करता है और आउटपुट में देता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डेटा सेलेक्टर डिवाइस, इसे डेटा सेलेक्टर डिवाइस भी कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं, इसके पास ढेर सारे इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है, एन इनपुट होता है, वन आउटपुट होता है, इसलिए इसका एक और नाम है N=1 mux। क्या नाम देते हैं? N=1 mux। ठीक है, तो बहुत सारा नाम हो गया सर। पहला नाम हो गया मल्टीप्लेक्सर, दूसरा नाम हो गया मक्स, तीसरा नाम हो गया मेनी इनपुट वन आउटपुट, चौथा नाम हो गया N=1 mux, पांचवा नाम हो गया डेटा सेलेक्टर डिवाइस। तो 5-6 नाम मैंने आपको इसके गिनाए जो कि आपके सामने है। तो ये आपके पास मल्टीप्लेक्सर का हुआ। बीच में एक पैराग्राफ छूट गया, इसको भी पढ़ लेते हैं। सर आप हमसे क्वेश्चन पूछेंगे, ये जो आप डेटा सेलेक्टर संख्या लिखें कितना होगा? ठीक है, ये देखिए M-1 होगा, यहाँ पर गलती लिखा गया M-1। ये डेटा सेलेक्टर लाइन कितना होगा? जितना संख्या इसका होगा उतना होगा? तो नहीं, क्योंकि हम लोग डिजिटल की दुनिया में डिजिटल डिवाइस पढ़ रहे हैं, तो डिजिटल के अकॉर्डिंग हम लोग इसकी संख्या सेट करेंगे। कैसे सेट करेंगे सुनिए, मान लिया इसमें n है, n संख्या तक आपका इनपुट है तो इसको m मान लेंगे, दोनों संख्या सेम नहीं होगा। उसका एक फार्मूला बनाएंगे जो कि मैंने यहाँ पर फार्मूला दिया है। देखिए इसका नाम S0 लिख लेते हैं, S1 लिख लेते हैं, S2 लिख लेते हैं, तो SM-1 तक लिखेंगे। 0 से स्टार्ट है इसलिए M-1 तक गए। तो अब आप सोचिए इसकी संख्या और इसकी संख्या में कोई संबंध है, कैसे हम डिसाइड करेंगे? तो इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला बनाते हैं, 2 to the power m = n। ठीक है, तो कैसे सर ऐसे कैसे सोच लिए आप बताइए। तो चलिए इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लिया कोई एक मक्स है मेरे पास जिसके पास दो इनपुट है। कितने इनपुट हैं? 2 इनपुट। कितने इनपुट हैं सर? 2 इनपुट। एग्जाम्पल देखिए, छोटा सा बॉक्स यहाँ बना के समझा रहे हैं आपको ताकि हमारे पास जगह नहीं है। 2 इनपुट मेरे पास यहाँ पर मैंने दिया, ठीक है, तो 2 इनपुट एक आउटपुट होगा। इसे हम लोग टू आगे चल के नाम देंगे 2:1 mux। क्या नाम देंगे सर? 2:1 mux। लेकिन इसके यहाँ पर संख्या भी बताना होगा, कंट्रोल यानी कि कंट्रोल लाइन यानी सेलेक्टर लाइन कितने होंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पर से फॉर्मूला से निकालना होगा। देखिएगा, 2 का पावर m = n को हम लोग लिखे हैं नंबर ऑफ इनपुट लाइन। देख लीजिए, नंबर ऑफ सेलेक्टर लाइन डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ इनपुट सिग्नल इफ़ n इज इंडिकेट। देखें, n इंडिकेट इनपुट सिग्नल, n क्या इंडिकेट करता है? इनपुट सिग्नल को। एंड m इंडिकेट सेलेक्टर लाइन, m किसको इंडिकेट कर रहा है? सेलेक्टर लाइन को। दोनों का अलग अलग नियम नाम बता दिए। तो यहाँ पर देखिए, इनपुट सिग्नल 2 है मेरे पास, 2, इसके ऊपर कोई पावर नहीं तो 1 पावर तो दे ही सकते हैं। और यहाँ देखिए m 2-2 मैच कर रहा, तो m का मान क्या हो सकता है? 1। यानी कितने सेलेक्टर लाइन होंगे हमारे पास? 1 सेलेक्टर लाइन होंगे। यानी सेलेक्टर लाइन यहाँ पर आप दिखाते हैं, यहाँ पर आप सेलेक्टर लाइन दिखा दीजिए। देखिएगा, ये सेलेक्टर लाइन हो गया, इसका नाम S0 आप दे सकते हैं। ये S0 दो इनपुट सिग्नल D0 और D1 को सेलेक्ट करता है और ये आउटपुट हमें प्रोवाइड करता है।
ठीक है। इस तरीके से इसे हम लोग दो इनपुट वाले के लिए कितने सेलेक्टर लाइन की जरूरत पड़ेगी, एक सेलेक्टर लाइन की जरूरत पड़ेगी। दो इनपुट के लिए, दो इनपुट वाले मक्स के लिए कितने सेलेक्टर लाइन की जरूरत पड़ेगी, एक इनपुट, एक सेलेक्टर लाइन की जरूरत पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, अगर मेरे पास चार इनपुट हुआ तो, चलिए कहानी अलग आगे बढ़ते हैं। मान लिया यहाँ एक बॉक्स बनाते हैं और इसमें हम लोग के पास कितना इनपुट आएगा, एक दो तीन चार इनपुट आया, कितने, एक दो तीन चार इनपुट आया और एक आउटपुट होगा, ठीक है। इसका नाम लिख लेते हैं D0, D1, D2, D3, चार इनपुट आ गया। ऐसी स्थिति में यहाँ पर देखिए क्या होगा, 2m = 4 होगा, n का मान, भाई n का मान 4 होता है, 4 लिखेंगे तो 2m = 2। तो यहाँ से देखिए m = क्या मिलेगा 2, m का मान 2 मिलेगा हमें, और m का मान जो 2 मिला, और यही 2 हमारे पास सेलेक्टर लाइन के रूप में दिखेगा यहाँ पर, S0 और S1, और ये आउटपुट मिला। ये क्या होगा, चार इनपुट है इसलिए 4:1 मक्स कहलाएगा। आगे चल के मैं इसके बारे में और डिटेल बताऊंगा, इसके टाइप्स पढ़ना शुरू करेंगे तो बहुत डिटेल बताएंगे, ठीक है। 4:1 मक्स, तो ये आपके पास हुआ, यानी कि दो लोग मिलकर के चार इनपुटों को संभालेंगे, दो सेलेक्टर मिलकर चार इनपुटों को संभालेंगे। कैसे संभालेंगे वो बता देता हूँ, इनका मान होगा 0001 1011, क्योंकि दो लोग चार कॉम्बिनेशन बनाते हैं और यही चार कॉम्बिनेशन इनको मिलेंगे और एक एक करके चारों को देंगे। मेरी बात सुने, समझे होंगे आप यहाँ पर मेरे क्या बोला, दो इनपुट हैं, दो इनपुट चार कॉम्बिनेशन बनाते हैं, इसलिए चार लोगों को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए 8 इनपुट आ गया, तो 8 इनपुट के लिए यहाँ पर एक फोटो बनाते हैं, देखिएगा 8 इनपुट, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया D0, ये हो गया D1, ये हो गया D2, ये हो गया D3, ... यहाँ हो गया D7 तक, और यहाँ आउटपुट मिलेगा A आउटपुट। कितना यहाँ पर A सेलेक्टर लाइन होगा, तो सेलेक्टर लाइन की संख्या ऐसे निकालिए, 2 का पावर m = 8, तो 2 का पावर m = 2 का पावर 3, तो m का मान कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ से m निकल गया, सेलेक्टर लाइन की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। यहाँ सेलेक्टर लाइन 3 बना दीजिए, 3 सेलेक्टर लाइन यहाँ दिखा सकते हैं, 1 2 3, S0 S1 S2, 3 लोग मिलकर 8 बनाएंगे। कैसे सर 3 का 8 बनता, देखिए सुनिए, 0001 0010 0010 1001 1011 1011, याद कीजिए, 8 2 2 4 6 2 8, 8 कॉम्बिनेशन बनते हैं, इसलिए 3 इनपुट लिया जाता है। तो ऐसा बनाया ही गया फॉर्मूला, ही इस तरीके से बनाया गया है कि उतना ही निकलेगा आपका। तो इस तरीके से 3 सेलेक्टर लाइन 8 इनपुट को कंट्रोल करते हैं, और इसका 8 इनपुट है, इसलिए इसे हम लोग 8:1 मक्स कहेंगे, जो कि आगे मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपके पास कुल मिलाकर ये मैंने मल्टीप्लेक्सर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके सामने रखा, बहुत सिंपल इंट्रोडक्शन है, ठीक है। आप लोगों को बहुत समझ में आया होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे मल्टीप्लेक्सर क्या है। अब मैं जो नेक्स्ट लेक्चर बताऊँगा उसमें टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सर बताऊँगा, टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सर होता क्या है, करेक्ट, टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सर में आपको सबसे पहले 2:1 मक्स मिलेगा, 4:1 मक्स मिलेगा, फिर 8:1 मक्स मिलेगा, फिर 16:1 मक्स मिलेगा, और उसमें मैं ये बताऊंगा कि कैसे ये सेलेक्टर लाइंस एक पर्टिकुलर इनपुट को सेलेक्ट करता है और आउटपुट को देता है, ठीक है। तो अच्छा लगा होगा लेक्चर, उम्मीद है। अगर इसको मैं YouTube पे डालता हूँ, अगर आप YouTube पे देख रहे होंगे तो आप ज़रूर कमेंट्स ज़रूर कर दें, और अगर ऐप में देख रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है, वहाँ तो कमेंट्स का बात नहीं आता है। तो चलिए इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, थैंक यू वेरी मच।